वेलकम दोस्तों, आज का न्यू एडिटिंग वीडियो में लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए। गाइस ये वीडियो बहुत ऊपर से सुपर होने वाला है। गाइस ये वीडियो आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे होना है। तो टूल्स पे दबाना है, दबाने के बाद ट्यूबवेल पे दबाना है आप लोगों को। तो गाइस ट्यूबवेल पे दबा दीजिए आप लोग। तो इसके बाद फोटो का ऑप्शन देखने पर दबाना है। दबाने के यहाँ पर एक रेड पिक दिखाई दे रहा है, तो इसको दबाने के बाद आप लोगों को इसको फुल कर देना है पूरा एकदम से। फुल करने के बाद इसको डायरेक्ट का ऑप्शन दबाना है आप लोगों को। दबाने के बाद बैक में दबाना है, दबाना व्यू एडिट पे दबाना है, फिर ड्यूल पे दबाना है, ड्यूल पे सुबह पेंटिंग में दबाना है। गाइस दबाने के बाद गाइस आप लोगों को इस तरह से पेंटिंग करना पड़ेगा, लेकिन पेंटिंग करना है भाई 75 में भाई, तो आप लोग ऐसे पेंटिंग करना पड़ेगा आप लोगों को। तो गाइस इस तरह से आप लोग पेंटिंग करना है। तो गाइस पूरा पूरी अगर हो जाएंगे तो गाइस आप लोगों को मैं बहुत जल्दी पूरा कर लेता हूँ गाइस। तो गाइस मैं करता यार, ये पर बहुत गजब का दिखने वाला है गाइस आप लोगों को यार। सच में यार अगर ये एडिटिंग वीडियो आप लोग करोगे तो भाई बहुत अच्छा लगेंगे। तो गाइस सिंपली से गाइस मेरा जो वीडियो है गाइस अच्छी तरह से देखना यार। देखने के बाद प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। तो गाइस तो मेरा यहाँ पर पूरा पूरी देर ना लगाने के लिए मैं पूरा पूरी इसको कर लेता हूँ गाइस। तो कम्प्लीटली मेरा हो चुका है गाइस, ठीक है। तो इसके बाद हमको राइट का ऑप्शन दिखा दे पर दबाना है। तो गाइस में राइट पे दबाने के बाद बैक चले जाना है गाइस। बैक चले जाने के बाद गाइस इससे टूल्स पे दबाना है लोग। मैं टूल्स पे दबा दिया हूँ। यहाँ पर एक पेंटिंग का ऑप्शन दिखा दे रहे हो, ऊपर दबाना है। दबाने के बाद हमारा जो चेहरा है उसको थोड़ा सफ़ेद करना है। तो गाइस मैं 7 पे रखूँगा गाइस। तो देखो यार, तो इस तरह से मैं सफ़ेद कर रहा हूँ गाइस, आप लोग भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस ये बहुत भाई बहुत ओपी वाला होने वाला है ये एडिटिंग वीडियो गाइस, सच कह रहा हूँ भाई। अब लोग अगर ये ट्राई करोगे तो भाई बहुत अच्छा होने लगा है, बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। तो गाइस इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो गाइस इस तरह से आप लोग करना होगा आप लोगों को। तो गाइस इस तरह से देखो, गद्दन पे भी ऐसे करना पड़ेगा आप लोगों को। तो गाइस इस तरह से आप लोगों को करना पड़ेगा। तो गाइस ये कम्प्लीटली मेरा फुल हो चुका है। तो गाइस इसके बाद हमारा जो हाथ है उसको भी थोड़ा हम कर लेते हैं भाई। चलो करते जल्दी हो जाए गाइस। तो इस तरह से आप लोगों को करना है गाइस। तो पूरा पूरी हो जाने के बाद तो बहुत टाइम लगेंगे, तो गाइस इसको जल्दी ख़त्म कर दिया जाए। तो गाइस इसको हाथ का भी मेरा ख़त्म हो चुका है, मेरा ये कम्प्लीटली हो चुका है। तो जो राइट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, पर दबाना है आप लोगों को। दबाने के बाद फिर से आप लोगों को टूल्स पर आना पड़ेगा गाइस। तो आप लोग टूल्स पर दबा दीजिए। दबाने के बाद गाइस यहाँ पर फिर से पेंटिंग में आऊँगा मैं। पेंटिंग में आने के बाद 10 माइनस करना पड़ेगा आप लोगों को। 10 माइनस करने के बाद आप लोगों को बालों पे ब्लू कलर करना पड़ेगा। तो गाइस इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो अपना बाल का स्टाइलिश चेंज और कलर भी कर सकते हो आप। तो गाइस आप लोगों को देखो पूरा पूरी मेरा हो चुका है। होने के बाद गाइस मैं इसको राइट दबा दूंगा, ठीक है। टूल्स पे दबाना है, टूल्स पे दबना, ये वाला ऑप्शन पे आपको दबाना है। दबाने के बाद इस बालों पे लगाना है। तो लगाने के बाद गाइस हमको इसको बालों को और भी ब्लू करना है। तो गाइस इस तरफ आप लोग भी कर सकते हो। तो गाइस इस तरह से ब्लू करना पड़ेगा आप लोगों को। तो भाई 25 में मैंने ख़त्म कर दिया। इसके बाद राइट दबा दूंगा मैं। राइट दबाने के बाद टूल्स पे आना है। टूल्स पे आने के बाद ड्यूल पे फिर दबाना है गाइस। दबाने के बाद यहाँ पर फोटो का ऑप्शन देखे बाद दबाना है। दबाने के बाद अब मैं करने जा रहा हूँ गाइस बैकग्राउंड चेंज। तो मैं बैकग्राउंड चेंज करने जा रहा हूँ गाइस। सामने जो फोटो शो कर रहा है हम वही लेंगे गाइस। तो हम इसको दबा रहे हैं। दबाने के बाद गाइस यहाँ पर पेंटिंग का ऑप्शन देखा, फिर फुल कर देना है एकदम से। तो राइट दबा देना है। राइट दबाने के बाद बैक का ऑप्शन जाने का है। बी एडिट पर दबाने के बाद यहाँ पर ड्यूल पे फिर पेंटिंग में दबाने का है। दबाने के बाद गाइस इसको अब पेंटिंग करना है इस तरह से। तो गाइस ये पूरा पूरी पेंटिंग कर लेना पड़ेगा आप लोगों को। तो गाइस ये देखने में बहुत गजब का लगने वाला है गाइस। इसको भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे गाइस। अगर ये वीडियो अगर अच्छा हो तो गाइस प्लीज़ एक लाइक ठोक देना आप लोग। तो गाइस ये मेरा कम्प्लीटली पूरा पूरी हो चुका है गाइस, ठीक है। इसके बाद हम राइट में दबा देंगे। राइट पर बैक में जाने का है, बैक चला जाएंगे हम लोग। तो इसके बाद टूल्स पर दबाना है फिर से। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है गाइस। क्लिक करने के बाद गाइस आपको इसको पूरा 100 पे लगाना है। लगाने के बाद इसको थोड़ा 11 कर देना है। तो इसके बाद गाइस पूरा लास्ट में पूरा 91 करने के बाद आप राइट दबा दीजिएगा। इसको सेव कर लेगा आप लोग। सेव करने के बाद फिर से बैक आने का है। तो टूल्स पे दबाना है। दबाने के बाद ड्यूल पे दबाना है। तो इसको फोटो में दबाना है। दबाने वही फोटो आप शो ऑफ करेंगे, फिर से इसको फुल कर देंगे एकदम से पूरा। इसके बाद बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दबाना है। के बाद व्यू एडिट पे दबाना है। ड्यूल एक्सपोर्ट पे दबाना है। दबाने के बाद इसको पेंटिंग करना है गाइस, जिससे पेंटिंग करते आप लोग भी कर चुके हैं। तो गाइस आप लोगों को इस तरह से करना पड़ेगा।
तो गाइस पूरा पूरी हो जाने के बाद गाइस राइट पर दबा देना है आप लोगों को। तो गाइस मेरा पूरा पूरी हो चुका है तो मैं राइट पर दबा दे रहा हूँ। दबाने के बाद बैक चले आने रहना है आप लोगों को। बैक आने के बाद टूल्स पे दबाना है, एक और ऑप्शन में आपको जाना है इस ऑप्शन में। तो हम इसको 22 रखते हैं। तो गाइस इस पे राइट दबा दीजिएगा। राइट दबाने के बाद फोटो को सेव कर लेना आप लोग। सेव करने के बाद गाइस इससे टूल्स पे दबाना है आप लोगों को। तो टूल्स पे दबाना है आप लोगों को, दबाना है ड्यूल पे, दबाना है ड्यूल पे, दबाना है फोटो में दबाना है। दबाने के बाद गाइस वही फोटो लगाएंगे हम फिर से, तो उसको पूरा से हम लोग फुल कर देंगे, राइट दबा देंगे। तो राइट दबाने के बाद गाइस फिर से व्यू एडिट पे दबाने के बाद पेंटिंग के ऑप्शन पे दबाएंगे। दबाने के बाद गाइस इस तरह से आप लोगों को पेंटिंग करना पड़ेगा। तो एकदम से पूरा ये बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगेंगे गाइस। तो इस तरह से आप लोग को करना पड़ेगा गाइस। तो हो रहा है लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये हो रहा है गाइस। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये गाइस हो रहा है गाइस, ठीक है। तो अच्छे से करना आप लोगों को, तो देखने को और भी अच्छा लगेंगे बैकग्राउंड गाइस। तो सेव कर लेना आप लोग, ठीक है। तो सेव करने के बाद बैक चला जाना है। बैक चले जाने के बाद गाइस हमारे जो वो जो आप देख रहे हो ना, हमारे जो थंबनेल लगा हुआ है, थंबनेल के जैसे आप करने जा रहे हैं गाइस, हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। रील्स पे दबाने के बाद इस वाले ऑप्शन पे आपको दबाना है। दबाने के बाद गाइस हमारा ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है, इसको दबाने के बाद पूरा 100 माइनस कर देंगे। तो 100 माइनस के बाद हम इसको राइट दबा देंगे। राइट दबाने के बाद हमारा जो एडिटिंग फोटो है गाइस, उसको हम फिर से पेंटिंग ऑप्शन ये पर लोग जानते हो। तो गाइस इसको हम पहले उल्टा पेंटिंग कर लेंगे गाइस। 100 है हमारा पूरा एकदम से, इसके बाद हम उल्टा पेंटिंग कर लेते हैं। करने के बाद ये पूरा पूरी से गाइस हो चुका है। होने के बाद इसको माइनस कर देना, पूरा जीरा माइनस कर देना। तो गाइस ये जो मेरा लोगो पे लगा हुआ देखो, पूरा उस तरह पूरा लग रहा है गाइस। तो आपको उस तरह से करना पड़ेगा गाइस। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस मेरा एक लाइक ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज़। तो मेरा बेल आइकन घंटी का बजा देना गाइस। तो प्लीज़ यार ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरे को लाइक चैनल सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।